मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अंशु पीयू फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह की सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पीहू भी स्कूल चली गई थी और पीहू के पापा ऑफिस चले गए थे, आज अंशु नहीं गया है और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आज अंशु इस कारण से स्कूल नहीं गया, कल मैंने इसकी ड्रेस धो दी थी शाम को और वो ड्रेस अभी तक गीली है और गीली मैंने वॉशिंग मशीन में भी ड्राई करी पर वो सूखी नहीं और उसी कारण परी अपने ड्रेस पे पानी गिराया आई थी कल और स्कूल में, तो उसकी भी ड्रेस गीली है। इसी कारण दोनों बच्चे आज स्कूल नहीं गए और अदरवाइज मैं अब भी बैठी हूँ पूजा पाठ करके नहा धो के और मैंने पी है चाय, थोड़ी सी चाय पी के मतलब अच्छा लगा। सुबह सुबह एक कप सर्दी में चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पहले से थोड़ी ठंड कम है बट ठंड तो है। और अगर मैं सर्दी में ये वाली कैप आप लगाते हो, सोचते होंगे कि घर में रहती है हवा भी नहीं चलती है, कैप लगा के रखती है, अगर मैं ये कैप ना लगा के रखूँ या कुछ बांधू ना सिर में तो सर्दी सर्दी फ्रेंड्स मेरे सिर का दर्द नहीं जाता, मतलब इतना सर पड़ता है, इतना सर पड़ता है पूछो पर। और साथ में इतना दर्द होता है, फिर मैं सारा दिन कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं रूटीन वर्क दिखाऊंगी आपका, डेली रूटीन वर्क जो मैं करूंगी वर्क वगैरह। और देखते हैं, कल है सैटरडे संडे और आपको परसों पता ही है इवेंट। सोमवार को भगवान श्री रामचंद्र जी का, रामलला जी का प्रण प्रतिष्ठा है, उनकी आने की स्वागत में और लाखों दीप जलाए जाएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो आप भी अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए, जैसे हम दिवाली पे करते हैं वैसे ही कीजिए। साथ में अच्छे अच्छे पकवान बनाइएगा, मिठाइयाँ, और शाम को दिए लगाना मत भूलिएगा अपने घर में भी, घर से बाहर भी। और खूब सारे पटाखे जलाइएगा और खूब स्वागत के साथ अपने घर में राम जी को बुलाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे। और यहाँ पे मैं सुन रही थी गुरुजी के थोड़े से भजन और यहाँ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, घर का कोई काम नहीं किया। अभी मैं चाय पी के बस बैठी हूँ रिलैक्स लेके, थोड़ी देर में काम करूँगी और सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो थोड़ा सा कपड़े धोऊंगी और साथ में कुछ वर्क करूँगी एक्स्ट्रा वाला, साफ सफाई जैसे होती है वो वाला। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फाइनली फ्रेंड्स सारा काम कर लिया है मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह दे दिया है। आज मैंने कपड़े, मैंने आपको बताया था, धोऊंगी। लेकिन बाहर का मौसम देखिए, बादल हो रहे हैं तो फिर सोचा था मम्मी की बेड शीट्स धोऊंगी, दोनों फ्लोर दोनों बेड की कवर्स वगैरह धोऊंगी, टॉवल्स मैंने भी धोए थे। बट क्या कर सकूँ, कुछ तो मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। आज मैंने डस्टिंग करी है पूरे घर की, बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम बाद 15 डेज बाद करी है। वैसे मैं रोज़ मारती हूँ लेकिन अब ठंड के कारण ना कुछ हाथ ना चल भी नहीं था। आज मैंने कुछ काफ़ी अच्छी डस्टिंग कर दी घर की, लेकिन मेरे को ये बेड शीट्स वगैरह धोनी थी लेकिन अब नहीं धो पाऊँगी क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और मम्मी धोने नहीं देगी, मुझे पता है। मम्मी कहेगी तुम अपना धो लो, मेरा मतलब गीला हो गया तो कहाँ लेटूँगी। लेकिन उनकी भी बात सही, ठंड बहुत है आज, बाहर का मौसम बहुत बड़े बादल बादल से हो रहे हैं। अगर मौसम खुला तो मैं धोऊंगी, नहीं तो नहीं धोऊंगी फिलहाल, नहीं तो फिर मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगी। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट में बने छोले और नोनू पीयूस है नहीं, अंशु और परी है मेरे पास। और अभी वन्ना और जीजा जी भी गए हैं दवाई लेने जीजा जी की, क्योंकि जीजा जी को अब मैंने आपको पहले भी बताई है थोड़ी सी हमारे घर में परेशानी चल रही है। और ये कहाँ जा रही है, अंदर चल, अभी रुक जा, गीला हो रहा बेटा। अभी थोड़ी जिया जी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो छुट्टियों पे चल रहे हैं, उनके मतलब बैक में डिस्क में प्रॉब्लम आ रही है, उनके दर्द है पे, और पैर से भी मतलब चला नहीं जा रहा है, हाथ भी सुन है उनका एक, इसी कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है घर में, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है। और ये दिक्कत परेशानी तो हर साल हमारे घर में जैसे खुशी खुशी से आती है, हमारे प्रभु है ना महादेव, उन्हें पता है ये परीक्षाएँ बहुत अच्छी देती है, अपनी परीक्षाओं में हमेशा पास होती है, तो इनको हर साल कुछ ना कुछ परीक्षा देने के लिए वो हमें तैयार रखते हैं और हिम्मत भी वो ही देते हैं हमें, तो टैलेंट हो गया है हमें दुख बीमारियों से लड़ने का, तो हंस हंस के हम उस दुख बीमारी से भी लड़ लेते हैं। और जहाँ सुख है वहाँ फ्रेंड्स मैं ये भी कहती हूँ दुख है, लेकिन इतना दुख भगवान मत दीजिए कि हमारी आस्था चली जाए, और इतना सुख मत दीजिए कि हमें अहंकार आ जाए। तो हमें बीच का रखिए जो हम कम से कम अपने दुख और सुख को अच्छी तरह से वो कर सकें, लेकिन कुछ नहीं होता, इससे भी हम लड़ लेंगे, हमारे साथ हमारे भोलेनाथ और गुरुजी महाराज आएंगे, वो हमें लड़ने की शक्ति देते हैं हर दुख से। अगर दुख नहीं आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे कि आपको वो करेंगे भगवान के प्रति, तो इसी हमारे भगवान परीक्षाएं लेता है, लीजिए लीजिए बहुत परीक्षा लीजिए, और हम भी 100 में से 100 नंबर ला के दिखाएंगे क्योंकि हम भी महादेव के भक्त हैं।
वैसे हम महादेव के भक्त और महाकाल के भक्त बन गए ना तो थोड़े भयंकर हो सकते हैं। इस बारे में महाकाल के देव के भक्त रहने दीजिए, महाकाल के भक्त मत बन लीजिए। महाकाल के भक्त भयंकर होते हैं, अगर उनको गुस्सा आया ना तो फिर तो आपको पता है तांडव होता ही है। तो यहाँ दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए थे, मैंने आपको सुबह भी दिखाया है, और दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए और लड़ाई कर रहे हैं। मैं नीचे मम्मी है वो खाना वाना बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स अभी हो रही है शाम और सारा काम करके मम्मी की सारी बेडशीटें जो मैंने कहा था कि मैं धोऊंगी मैंने धो दी थी, और टेंशन तो मुझे इस चीज़ की थी अगर ये नहीं सूखी तो मम्मी कहाँ सोएगी कैसे सोएंगी और बिस्तर थोड़ा ठंडा होगा तो मुझे टेंशन थी, लेकिन भगवान की कृपा इतनी हुई कि हवा भी थी और साथ में धूप भी थी तो बिस्तर भी सूख गया, कुछ कपड़े भी मैंने घर के धोए थे दोनों सूख गए। शाम के खाने की तैयारी करें, मैं बना रही हूँ हरड़ की दाल, और आपको पता है फ्रेंड आज शुक्र बाजार था, जहाँ पे जाना जरूर था मेरे लिए, तो मैं शुक्र बाजार से ले आई थी सारी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ कपड़े थे जो मतलब मेरे थे, जो इतने ही से थे जो गीले थे, वो मैंने रस्सी पे डाल दिए थे, और यहाँ मम्मी की बेड शीटें देख लीजिए साफ़ हो गई सुबह का देखना, और साफ़ हो चुकी हैं बेड का सारा, तो यहाँ पे भी मैंने सब नीट एंड क्लीन कर दिया था। ये कुछ हमारी दीवार कुछ इस तरीके से ख़राब हो रही है, हमने पिछले साल ही वाइट वॉश करवाया था, बट क्या कर सकते हैं पता नहीं सीलन आती है पता ही नहीं। और अब हम लगेंगे खाने बनाने में, अभी मुझे आटा गूंदना है किचन में। मैं बहुत दिनों पहले ये वाली टोकरी लेके आई थी, क्योंकि सीधा हम इस पर बर्तन रखते थे ना तो इसमें जंक लग जाता था, फिर साफ़ नहीं होता। अब इसे मैं किसी दिन मौसम ठीक पर इसको रगड़ के साफ़ कर दूंगी एक बारी, फिर अपना सुखा के बर्तन रखेंगे तो ये हमारा ख़राब नहीं होता। तो कुछ कपड़े यहाँ अंदर हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, और ये दोनों बहन भाई यहाँ बैठे। पीहू अभी बंद करो रूम हीटर, बहुत गर्म हो रहा है कमरा। ये दोनों और पीहू के नहीं, अच्छा बहुत देर से चल रहा बेटा, चिकन बना रखा है मैंने, मुझे तो पता नहीं क्यों। और अब भी पीहू के पापा आएंगे और खाना पीना खाएंगे। मैं बनाई थी अरहर की दाल और साथ में गूंदूंगी थोड़ा सा आटा, और चावल नहीं बनाऊंगी रात का टाइम है, कल दो दिन छुट्टी है और सोमवार को इंतजार है राम जी के आने का, तो उस दिन थोड़ी सी सफाई मैंने आज कर दी है, थोड़ी सी कल करूंगी। अब मैं शाम सुबेरे उठ के जल्दी पढ़ते हैं, और हमारे पास पटाखे पड़े हैं दिवाली के, तो हम पटाखे भी जलाएं चक्रिया पर। हाँ नहीं मंडे को राम, आज आज नहीं मंडे को राम जी आएंगे जब जलाएंगे, मंडे को आएंगे, कल तो सैटरडे है। हाँ ये थे छोले जो हमने सुबह मॉर्निंग में बनाए थे, और इसमें दाल है लाल मलका की बनाई है, और यहाँ मैंने रोटियाँ बना के रख ली थी और कुछ पूड़ियाँ मम्मी ने नीचे से बना के भेजी थी, क्योंकि सुबह छोले बनाए थे तो अभी शाम के टाइम कढ़ाई चढ़ी हुई थी, तो मम्मी ने कहा कुछ पूड़ियाँ बच्चों को एक एक दो दो दे देना, अंशु मांग भी रहा था। और यहाँ इसके पापा ले आए थे चाउमीन का पैकेट, कल हम सब खाएंगे चाउमीन। अब हम खाना निकालेंगे और खाना खाएंगे, पीहू के पापा भी आ गए, और अंशु मैं शुक्र बाजार से दिखाती हूँ आपको क्या क्या सब्जियाँ लेके आई थी, दिखाती हूँ मैं भी आपको। आज मैं शुक्र बाजार गई थी, मैं आपको मार्केट नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं फ़ोन लेके गई थी, बट गाजर लाई मैं जो बहुत अच्छी मीठी मीठी, मतलब उसके साथ भी खा सकते हैं सैलेड में रेड रेड, और यहाँ गोभी थी, शिमला मिर्च, यहाँ कुकुम्बर, बहुत सारी सब्जियाँ लाए मैं और मेरी सिस्टर, और यहाँ हरी मिर्ची, घिया, पालक, बथुआ, कुछ टमाटर पहले भी पड़े थे, और ये पीहू के पापा लाए ऑफिस से चाउमीन का पैकेट, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं, यहाँ आ जाएगी है। ठीक है ना, अब सुबह बनाएंगे चाउमीन। क्या लाइट तो नहीं जलाई थी हमने, अरे लाइट जला के हमारी सीढ़ी का ये वाला पेंट कितना चमकता है यार, अब बंद हो गई, चलो जी। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने खाना पीना कर लिया है, खाने में आपको मैंने दिखाया था पूरी और छोले की सब्जी और दाल बनाई है। आप मुझे पूरा दिन मतलब सर्दियों में विंटर में कैप में ही देख रहे हो बिल्कुल, बट आज अब मैंने कैप उतारी है क्योंकि ना मैंने यहाँ पे रूम हीटर जला रखा था ना, तो उससे मेरे को लगने लगी एकदम से गर्मी सी, लेकिन गर्मी नहीं है फ्रेंड्स। आज का दो दिन से मौसम सही था, लेकिन आज फिर बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, और
आज इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग छोटा है लेकिन अच्छा है, बढ़िया, आप देखिएगा ज़रूर। और अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, मेरे को पता है हमारे ब्लॉग थोड़ी लेट आ रहे हैं, लेट इस कारण से आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था सुबह कि हमारे घर में मेरी जिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा से दिक्कत हो रही है, मतलब उनको ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और डिस्क में भी ना उनकी नस दबी हुई आई है, तो इसी कारण से ना उनकी भागा दौड़ी में थोड़ा से परेशान हैं, दवाइयों के लिए भाग रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। अब इंसान को ये होता है ना, एक जगह से आराम नहीं आता तो दूसरी जगह दिखाते हैं, दूसरी जगह से आराम नहीं आता तो इसी जगह से, थोड़ा सा ना घर का रूल रेगुलेशन ख़राब हो चुका है क्योंकि दीदी मेरी सिस्टर जाती है उनके साथ उनको दिखाने के लिए, और मैं रहती हूँ घर पर, सारा काम करती हूँ मैं और मम्मी मिलके, मेरी सास मेरी हेल्प करती हैं, बच्चों को वो पकड़ लेती है, मैं ऊपरी का काम कर लेती हूँ, फिर खाना पीना मैं बना लेती हूँ, रोटियाँ। कारण से थोड़ा सा व्लॉग लेट हुआ है, 4 डेज मुझे पता है लेट हो चुका है हमारा व्लॉग, बट नहीं होगा, मैं कोशिश यही करूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।